अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसकेएम 91 न्यूज। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद में कत्ल के केस को सॉल्व करते हुए चार कातिलों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से तीन सेल फोन जब्त किए गए। तफसलात के मुताबिक HMDA लेआउट के पास शिलपारामम के इलाके नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई, जिसकी उम्र कम से कम 25 साल बताई जा रही है। वो लाश आधी जली हुई बताई जा रही है। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि चार मुजरिमों ने मिलकर बदला लेने के लिए नशे की हालत में मरहूम के साथ झगड़ा किए और उसकी लाश को आग लगा के वहाँ से फरार हो गए। ये गिरफ्तारी महेश भगवत IPS ADGP कमिश्नर पुलिस रचाकोटा की निगरानी में अमल में आई। देखिए ये रिपोर्ट, हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर जाफर की एक खास रिपोर्ट पेश है। एसकेएम 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट, एसकेएम 91 न्यूज। मन को इरवे तारीख मन को क्राइम रिपोर्ट रिपोर्ट अव जी अनोन मेल बाडी HDMA लेअट कई पड़न उद्देश्य तो अब रिपोर्ट राव जी दाँ इमीडियट मन टीम वालू विजिटी दाने जगह प्रदेशा परशी अनोन डेड बाडी इजेय जी दाट क्लूस एम लेकें दाट తర్వాత ఈ టెక్నికల్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్న క్రమంలో బాలానగర్లో ఒక మిస్సింగ్ కేసు రిపోర్ట్ కావడం జరిగింది। దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని డీసీపీ సిపి గారి ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది। 5 టీమ్స్ ఫామ్ చేసి దాన్ని టెక్నికల్ గా చాలా బాగా అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ గా చేసి దాన్ని సాల్వ్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో महेश कदा महेश अने मुद्दाई बालराज अने मुद्दाई बालराज अने डिसीजन वालू फोन विषय में गुड़ी फोन विषय में गुड़ी अड्डी वालू चिलका नगर इंटी ती अटी वाली HMDA लेअट को तस्क्री कालचि चंपन जनम दाटो इधर मुद्दाईल मल तरह कोई वेहिकल वाली अरेस्ट जी టెక్నికల్ గా ఏసీపీ గారు ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారో దాని క్రమాన్ని వివరిస్తారు మీకు। R&S యురాని ఫార్మసీ, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆపోజిట్ కెనరా బ్యాంక్, బహదూర్పుర ఎక్స్ రోడ్, హైదరాబాద్। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, ये कैसी दवा है। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है भूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पत्री ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्री फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। थैंक यू फॉर यूनी स्टोन। नैन ఒక సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్ తో చాలా బాధపడ్డా, డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది, అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ చేశారు। ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనీ స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు, అది తాగిన వెంబడే क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लैडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे, उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था ना कुछ, नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का।